हेलो व्यूअर्स, हेल्थ टॉक विथ डॉक्टर सोहेल खान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निराली और आज हमारे साथ है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सोहेल खान और मेरे साथ ही है साजिद जी। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और आज का हमारा शो का टॉपिक है नी एंड हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो सर, मैं आपको सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हिप एंड नी पेन क्या होता है और वो पेन जो है वो कौन से दर्दी में दिखा जा सकता है। हिप और नी जॉइंट पेन्स जो होते हैं ये बुज़ुर्ग लोगों में ज़्यादा होते हैं, और हिप और नी जॉइंट्स ही अपने बॉडी के अहम हिस्से जो हमारा पूरा शरीर का जो वेट है वो लेते हैं, तो उसमें कोई भी अगर ख़राबी होती है तो पेशेंट्स को पेन होना शुरू हो जाता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि नी जॉइंट पेन जो लोगों में हो रहा है वो किस कारण की वजह से होता है, तो हमने एक मॉडल लाया हुआ है जिसमें आप देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल नी जॉइंट है यानी घुटने का जॉइंट है। ये जो ऊपर की हड्डी है इसको थाई बोन बोलते हैं फीमर, और ये जो नीचे की हड्डी है ये हमारा लेग बोन है जैसे पैर की हड्डी है। इसके बीच में का जो ये स्पेस है, ये स्पेस में एक गादी रहती है जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल घुटने का मॉडल है, 30 साल 35 साल की उम्र में हमारा घुटना ऐसा दिखना चाहिए एकदम क्लीन। जब जैसे ही उम्र बढ़ती है, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होना है तो वैसे ही हमारे घुटने भी रोज़मर्रा के जो हम काम करते हैं जैसे बैठना उठना हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो गया, उसकी वजह से घुटने खराब होना शुरू होते हैं। तो अगर ये 30 साल का घुटना है तो आप देख सकते हैं कि ये 40 साल के घुटने में थोड़ा थोड़ा घुटने की जो गादी है वो घिसना शुरू हो गई है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है सिर्फ घुटने की गादी ही नहीं घिसेगी, बट ये जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे भी घुटने के आसपास हड्डियाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी, जॉइंट की जो गादी है वो और पतली हो जाएंगी, ये ऊपर की हड्डी है नीचे की हड्डी को टच होना यानी मिलना शुरू हो जाएगी, और बीच में का जो शॉक एब्जॉर्बर जैसी जो गादी रहती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को चलने में भी दिक्कत रहेगी, उनके घुटने का शेप भी चेंज हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम पेशेंट को शुरू हो सकते हैं। अच्छा, ये पेन तो जब होता है होता है प्रॉब्लम होती है, लेकिन सर्जरी किस पोजीशन पे आप लोग करवाते हैं, क्योंकि अगर पेन जो है वो मेडिसिन से ठीक हो पाता है या सर्जरी ज़रूरी होती है इसमें? इसके लिए एक स्टेजिंग सिस्टम डिवाइस किया हुआ है, जो डॉक्टर्स जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, हिप का पेशेंट आ गया या नी का पेशेंट आता है, तो उनके हम पहले एक्सरेज लेते हैं। जब भी हम एक्सरेज लेते तो उनमें हमको समझ में आता है कि ये पेशेंट का जो, इसको आर्थराइटिस भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे ये सांधीवात नहीं है, ये आमवात है यानी ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये उम्र के हिसाब से उम्र के साथ होने वाला आर्थराइटिस है, ये आज नहीं तो कल हर आदमी को होना है। ओके, तो इसमें स्टेजिंग सिस्टम रहता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये स्टेजेस कब बढ़ रहे हैं, जब घुटना ज़्यादा से ज़्यादा खराब होते जा रहा है तो हम बोलते हैं कि ये पेशेंट थर्ड या फोर्थ स्टेज में। जनरली जब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में रहता है तो सर्जरीज एडवाइस नहीं की जाती है। ऐसे कंडीशंस में हम उनको पहले तो मेडिसिन देंगे, उनको बोलेंगे कि घुटना और जो हिप है वो ख़राब होने का जो मेन रीज़न है ये क्या क्या है, यानी पेशेंट काउंसलिंग। तो ऐसे कंडीशन में हमको बताना रहता है कि पेशेंट्स ने नीचे कम से कम बैठना है, यानी ज़मीन पे अगर बैठ रहे और जब ज़मीन से उठते तो अपने घुटने पे अपने ही वजन के 8 गुना ज़्यादा प्रेशर आता है। तो हर बार जब आप नीचे बैठ के उठते, जो कि इंडियंस में ज़्यादा है, जब भी आप नीचे बैठ के उठेंगे तो अपने घुटने पे 8 गुना ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो अपना घुटना जो है और जो खूबा जो है वो घिसते जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे घुटने की कमर की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, जो हमारे जो हड्डियाँ है वो घिसना शुरू हो जाते हैं और फिर जो घुटना है वो ख़राब होता है। तो जब स्टेज 4 आ जाती है, जब पूरी गादी ख़राब हो जाती है और घुटना एक दूसरे को हड्डी टच करके, तो पेशेंट को कंटिन्यू पेन रहता है। जब पेशेंट कंटिन्यूसली पेन में है, चल ही नहीं पा रहा है, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, तब फिर मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में हमको नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी सर्जरी नहीं है। अच्छा साजिद जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो गई है। मतलब जैसे हमें पहले पता था कि ऐसे रोग नहीं थे, लोगों की लाइफस्टाइल हेल्थ अच्छी रहती थी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्जरी की, बराबर। तो मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि सर, ये जो सर्जरी है, मतलब एक प्रकार का फोबिया होता है, लोगों में डर रहता है कि सर्जरी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं,
तो हम छोटी मोटी ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं, मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, वो फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो सर्जरी है वो कौन से केसेस में अवॉइड कर सकते हैं? हर सर्जन आपको बताएगी कि कोई भी अगर सर्जरी है तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज टू अवॉइड द सर्जरी, नॉट टू डू द सर्जरी. जो सबसे परफेक्ट ट्रीटमेंट अगर कोई कर रहा है दैट इज टू अवॉइड द सर्जरी, यानी नहीं सर्जरी की हुई बेहतर. सर्जरी तभी करनी चाहिए तब जब कोई भी तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं. तो अभी क्या ऑप्शन है जिसमें हम सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है. सबसे पहला ऑप्शन जो है कि लोगों ने जो नीचे बैठने उठने का जो काम है एक उम्र के बाद, जैसे 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो नीचे बैठना उठना थोड़ा सा कम करना चाहिए. आप देखेंगे नए कंस्ट्रक्शन जो हो रहे सिटीज में, तो आप देखेंगे जो टॉयलेट है वो भी जो पहला का जो टॉयलेट सिस्टम था जिसमें इंडियन टॉयलेट था जिसमें नीचे बैठना पड़ता था, अब देखेंगे तो सब टॉयलेट के जो सिस्टम्स हैं वो कमोड सिस्टम्स हो गए. वेस्टर्न कमोड्स में आपको नीचे बैठने की जरूरत नहीं है. तो ये कल्चरल भी चेंज आना शुरू हो गया है, बट फिर भी अपने जो गांव में जो काम कर रहे लोग जो बार बार जमीन पे बैठना है, उठना है, कुर्सियां नहीं रहती है, बेड्स नहीं रहते, तो उसमें नीचे ही बैठते रहते हैं. तो इनमें आप देखा गया कि इनमें घुटने खराब होने का जो रेट है ये ज्यादा हो रहा है इनके काम की वजह से. मेल आए हुए हैं घुटनों, ये जो हिप की पेन के मुताबिक कोरोना के बाद से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही. तो कोरोना ऐसा कोई वजह है इसकी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसके ऊपर एक्चुअली पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर स्टडीज जारी किए. कोरोना जो बीमारी थी इसमें हमारा जो ब्लड है वो ठीक होता था, यानी खून जो है वो घट यानी और ठीक होना शुरू हुआ था. सिर्फ कोरोना के जो वायरस में एक खूबी थी, वायरस में, वैक्सीन में, सभी चीज़ों में मिला के कि हमारा जो ब्लड है उसको ठीक करते थे. बट ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट एक सॉकेट और एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है. तो इसमें जो बॉल है, खुबे का जो बॉल है, उसको भी खून का सप्लाई जो रहता है ना वो बहुत लिमिटेड रहता है. अगर वहाँ पर कहीं पर भी वो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो ये बॉल को ब्लड सप्लाई अगर कम हो गया तो ये खुबा जो है, हिप जॉइंट जो है, वो खराब होना शुरू हुआ है. और हमने देखा है कि कोविड के बाद एटलीस्ट 3-4 टाइम्स हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के रेट बढ़ गए. इसका मतलब है कहीं ना कहीं खून का जो प्रॉब्लम हमारे कोविड के बाद जो शुरू हुआ है उसकी वजह से लोगों के प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बढ़े. क्या वैक्सीनेशन में कुछ ड्रॉबैक है या फिर कोरोना जो वायरस है वो इफेक्ट कर रहा है? ये बताना साजिद भाई अभी तो मुश्किल है. इसके ऊपर स्टडीज जो ऑनगोइंग स्टडीज है वो हिसाब से तो अभी तक यही पता चला है कि जो कोविड वायरस था वो वायरस के वजह से अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए. बट अभी वैक्सीनेशन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये अभी तक उसका जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, ये अभी जो भी बाहर आए हैं बट वो डेफिनेटली वैक्सीन की वजह से है या वायरस की वजह से है ये अभी तक किसी ने भी 100% नहीं बताया गया है. बट जो भी है हमको हमारा ख्याल रखना चाहिए कि हमको पता रहना चाहिए कि हमारा ब्लड डेफिनेटली जो 4 साल पहले था उससे आज ठीक है. तो इसके वजह से हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है ये आज जानना जरूरी है, भले वो वैक्सीनेशन की वजह से हो, कोविड की वजह से हो, बट जो भी आज हमको प्रिकॉशंस लेना है वो पता चला. ये मतलब स्टडी का विषय है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जाँच कर रहे हैं. वैसे हमारे पास जो बहुत सारे जो मेल्स आए हुए हैं लोगों में कन्फ्यूजन बहुत है सर्जरी को लेकर, डर बहुत कैसा है ना कि अवेयरनेस लोगों में कम होती है. जैसे हमें आजकल की हमारी, जैसे मैंने बोला कि लाइफस्टाइल अलग है, तो सर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो मैं हमारी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ानी होती है. तो बेसिकली सब लोग चाहते हैं कि हम जवान रहे, हमारे हाथ पैर ठीक ठाक रहे, हम ऐसे ही चलते फिरते रहे. तो हमारी जो खान पान की पद्धति है उसमें क्या करना चाहिए कि रोज हमें क्या खाना लेना चाहिए कि हमें मेडिसिन ना लेनी पड़े, हमें सर्जरी ना करनी पड़े? कैल्शियम रिच डाइट रहना चाहिए और प्रोटीन रिच डाइट रहना चाहिए. भले आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बट आपके खाने में कैल्शियम और प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें रहना ज़रूरी है. अगर आप वेजिटेरियन हो तो पल्सेस या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा करें. अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप हफ्ते में 2 बार भी नॉन वेज फूड खाते हैं तो उसमें आपको जितना चाहिए उतना कैल्शियम मिलता है. इसके साथ साथ विटामिन डी भी मिलने के लिए आपको धूप में भी जाना ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है. निराली जी, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लो आपके पास रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रॉ मटेरियल है, पर आपकी फैक्ट्री ही बंद है. तो जब रॉ मटेरियल
भी आपका फैक्ट्री तक पहुंच रहा है थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट फैक्ट्री बंद है तो उसका कोई भी फायदा नहीं। इसी जगह पे रॉ मटेरियल आप कैल्शियम को ले लीजिए जो हम खाना खा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आप विटामिन डी को ले लीजिए जो कि हमको धूप में मिल रहा है। अच्छा, आप खाना भी खा रहे हैं, धूप में भी जा रहे हैं, ये दोनों सिस्टम आपके बराबर चल रहे हैं, बट जो फैक्ट्री है वो हमारे मसल्स है। जब तक हम एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे तो वो फैक्ट्री ही हमारी बंद है। जब हम वो एक्सरसाइज करके हमारी फैक्ट्री शुरू करेंगे तभी ये रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो फायदा है आदमी को जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने का भी समय नहीं है, तो लोगों की लाइफस्टाइल है ना, बहुत सारी चीजें पता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। अभी अच्छे से बता रहे, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और जिसके पास समय नहीं है, पता है कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे। खासतौर से घुटनों के दर्द और हिप पेन्स वालों को जरा बताइए, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और इससे हम सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। अगर कुछ भी आपके पास समय है ही नहीं और आप जैसे कोई भी एक्सरसाइज के लिए घंटा भर निकाल नहीं पा रहे, तो मैं बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आप एक साइकिल ले लीजिए घर पे, जिम की जो साइकिल आती है वो साइकिल भी अगर आप ले लेते हैं और 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी नहीं, अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हो या बच्चों से बात कर रहे हो, बीवी से बात कर रहे हो, तो बस वो साइकिल पे बैठ के अगर आप 10 मिनट्स 20 मिनट्स अगर वो साइकिल चला रहे तो भी घुटने का जो स्ट्रेंथ है और जो हिप का स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगा। इसके अलावा भी आप YouTube पे देख के थेराबैंड एक्सरसाइजेस रहते हैं या जिम जैसे एक्सरसाइज जो घर पे कर सकते हैं, आजकल YouTube पे इतने वीडियोस हैं। अगर YouTube पे भी नहीं देखना है आपको, पर्सनली अगर कहीं पे आपको पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइजेस चाहिए तो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही है। ये बोलना कि मेरे पास समय नहीं है, ये सबसे गलत रीज़न होगा। मैं तो बताऊंगा कि 24 घंटे में अगर आप खुद के लिए अगर हाफ एन आवर या अगर 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप बाकी के 23.5 घंटे दूसरों के लिए काम करके क्या। एक बुनियादी सवाल जो व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं सर्जरी को लेकर, वो बहुत उनमें खौफ है सर्जरी को लेकर। सर्जरी का मतलब ये कितनी आसान है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? इसमें मैं और एक बार आपको समझाना चाहूँगा एक मॉडल के तहत। जी, ये हमारा घुटने का मॉडल है। लोगों में ये गलत फहमी है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी घुटना बदलने की सर्जरी है, क्योंकि उसका नाम ही वैसा रखा गया। ये पुराना जो इसको हम मिसनोमर बोलते हैं, यानी जो नाम है वो गलत रखा गया है। ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं है, ये नी सरफेस रिप्लेसमेंट सर्जरी है। नी सरफेस मतलब हम सिर्फ घुटने का जो सरफेस है, जैसे आप इसमें भी देखेंगे तो ये घुटना इधर से कट नहीं किया जाता है, घुटने को इनफैक्ट कट ही नहीं किया जाता है। जो सरफेस जो खराब हुआ, जो सिर्फ जो गादी के आसपास का जो लेवल है वो जो खराब हुआ है, बस उतना ही कट करके वहां पे नया सरफेस बिठाया जाता है। तो पहले तो ये गलतफहमी दूर कीजिए कि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये नी सरफेस रिप्लेसमेंट सर्जरी है जिसमें पूरा घुटना नहीं चेंज होता है, सिर्फ सर्फेस चेंज होता है। दूसरा जो आपका सवाल था कि इसमें कितने सक्सेस रेट है, मैं पर्सनली जितने हमने सर्जरीज की है, जितने हमने सर्जरीज देखे हुए हैं और हमारे जो कलीग्स भी सर्जरीज कर रहे हैं, इसमें 98-99% सक्सेस रेट है। 98-99% बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं मैं सर्जरी करूंगा तो चल नहीं पाऊंगा, ये एक मिथ है। पहले तो ये इसमें से आपने बाहर आना चाहिए। जितने भी पेशेंट्स सर्जरी करके इत्मीनान से चल रहे वो आपको कभी नहीं आके बताएंगे कि मैंने सर्जरी किया हुआ है। ओके, हाँ, 1-2% लोग ऐसे रहते हैं जिनमें कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। ऐसे इन्फेक्शन के कंडीशन में जब पेशेंट को दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो वही लोग जो है वो दूसरों को बताना शुरू करते हैं और लोगों के सामने वही लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो आ जाता है। बट 99% लोग हैं आप देखेंगे कि आपके घर के सामने से रस्ते पे जा रहे हैं पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनका सर्जरी हुआ है। इतना सक्सेसफुल सर्जरी है कि आपको उनके चाल में भी फर्क नहीं समझ में आएगा। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है और कितनी आसानी से हो सकती है? हिप रिप्लेसमेंट ये नी रिप्लेसमेंट से भी ज्यादा रिवॉर्डिंग सर्जरी है। हालांकि नी रिप्लेसमेंट एक इजी सर्जरी और हिप रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जो आउटकम और जो रिजल्ट हिप रिप्लेसमेंट में आता है वो शायद नी रिप्लेसमेंट में भी उतना अच्छा आउटकम नहीं आ पाता है। हिप रिप्लेसमेंट में एग्जैक्टली क्या किया जाता है, जैसे हमने बताया बॉल और सॉकेट किस्म का ज्वाइंट है तो वो सॉकेट भी चेंज करते हैं और ये बॉल भी, जैसे ये सॉकेट भी चेंज करते हैं और ये जो मांडी में यानी थाई बोन में जाने के लिए, थाई बोन का, हाँ, ये थाई बोन के अंदर से चले जाता है और फिट हो जाता है। ओके, और ये पूरा हिप रिप्लेसमेंट का जो हमारा मॉडल है
ये इसी प्रकार से रहता है। इसमें अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, जैसे आप ये देखेंगे तो ये सिंपल स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, बट इसमें सिरेमिक आता है, टाइटेनियम आता है, अलग अलग मटेरियल्स आते हैं जो अलग अलग लोगों में बिठाया जाता है। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उनमें हम टाइटेनियम का इम्प्लांट बिठाते हैं। कोई अगर यंग पेशेंट है जिसको हमको पता है कि वो ज़्यादा चलने वाले हैं या उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज़्यादा होने वाला है तो उनमें सिरेमिक का इम्प्लांट बिठाया जाता है। तो पेशेंट के हिसाब से उनके अंदर इम्प्लांट्स चेंज होते हैं और लॉन्गेविटी यानी कितना दिन वो इम्प्लांट चलेगा, वो 15 साल से लेकर 35 साल तक, 35 हिप रिप्लेसमेंट में ज़्यादा देर तक वो इम्प्लांट चलता है। तो हिप रिप्लेसमेंट में सर्जरी ज़्यादा देर तक सक्सेसफुल रहने के चांसेस ज़्यादा। मुझे ये बताइए कि ये सर्जरी कितनी आसान है और पेशेंट्स को कितनी कम तकलीफ होती है वो बताइए। हिप और नी ज्वाइंट सर्जरीज के 2 दिन तक पेशेंट को पेन रहता है। ये 2 दिन का पेन अगर खत्म हो गया तो उसके बाद में जो पेशेंट को है इमीडिएटली फुल वेट दे के चल सकते हैं। वॉकर के ऊपर ही भले ही चलाते हैं बट फ्रैक्चर की जैसे नहीं रहता कि वो वजन ही नहीं दे सकते, इसमें पूरा वजन दे के चल सकते हैं। 12 से 14 दिन में जब स्टिचेस निकल जाते हैं तो वॉकर की भी जरूरत नहीं है, पेशेंट वैसे ही चलना शुरू करते हैं। इनफैक्ट जो नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट रहते हैं और हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद 7वें दिन वो सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं, यानी स्टेयर क्लाइंबिंग भी पॉसिबल है और स्टेयर क्लाइंबिंग के बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। जो आउटस्टेशन पेशेंट रहते हैं वो बहुत से बार हमको सवाल पूछते हैं कि मैं कितने दिनों में घर जा सकती हूँ, तो हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद 3 से 4 दिन के बाद आप कभी भी हम उनको पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये निराड़ी मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स की जो कन्फ्यूजन था अब वो मेरे ख्याल से दूर हो गया होगा। लेकिन एक सवाल और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब उनके पेरेंट्स हैं जो उनसे बोलते हैं कि साहब अपनी इतनी एज हो गई है, 50 हो गई, 50+ हो गई, 60 हो गई, अब रिप्लेसमेंट की क्या ज़रूरत है, थोड़ी सी उम्र बची है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले के ज़माने में ये जो कंसेप्ट था कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट समझते थे। जैसे आज भी आप अगर फिगर और सेंसस देखेंगे ना तो इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है कि इंडिया में क्वांटिटी ऑफ लाइफ, जैसे पहले जो नॉर्मल एज एवरेज एज रहता था लोगों का 60-65 तक रहता था, बट अभी वो बढ़ के 70-75 हुआ है। तो कितना अहम है ये क्वांटिटी ऑफ लाइफ, तो इम्पोर्टेंट है बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। जो लोग ये मुझे बोलते हैं कि हाँ 50-55 हो गया अभी मैं नी रिप्लेसमेंट करा के क्या करूँगी, बट हाँ अगर 50-55 हुआ है और अगर आप चल फिर पा रहे और आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ वैसे ही हो रहे जैसे पहले थे तो फिर ठीक है, बट अगर आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे आप 55 साल के हो गए और आप आपके रिश्तेदार के घर नहीं जा पा रहे, आप कोई फंक्शन में नहीं जा पा रहे, घुटना खराब हो गया, खुबा खराब हो गया, पेन होता है, आप आपका कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज है जैसे हज हो गया, कोई यात्रा हो गया, अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर मतलब ही क्या है। आप 55 से लेके 85 तक भी जिंदा रह गए तो 30 साल में अगर कुछ काम ही नहीं कर पा रहे तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज है ये लाइफस्टाइल चेंज करने के सर्जरीज है, यानी आप अगर 55 में वो सर्जरी करते हो और हम आपको बोलते हैं कि आप अभी वापस 25 साल तक एकदम अच्छे से चल सकते तो फिर क्यों नहीं करानी है? वो सर्जरी करनी चाहिए ना जिसमें आप आपकी जितनी भी तमन्नाएं जो बची हुई तमन्नाएं पहले से वो आप अगर कंप्लीट कर सकते तो मैं तो बोलूंगा कि ये लाइफ चेंजिंग सर्जरी। सर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनको आपने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो, तो मतलब छोटी सी टिप्स क्या देना चाहते हो कि आपको ये नौबत ना आए करने की? पहले से ही आप अगर प्रिकॉशंस लेते हो, ध्यान रखते हो, एक्सेप्शनल केस में ठीक है करना पड़ता है, लेकिन क्या टिप्स देना चाहते हो कि स्वस्थ रहे? पोश्चर्स, हर चीज़ में जैसा पोश्चर ज़रूरी है, इसमें यह ज़रूरी है कि आप ज़मीन पे बैठना और उठना आपका कम से कम रखिए। जैसे बहुत ही कम चीज़ों में बहुत कंपलसरी रहता है कि आपको ज़मीन पे बैठ के ही करना पड़ता है, जैसे नमाज हो गई या कुछ प्रेइंग हो गया जो आपको ज़मीन पे बैठ के ही करना पड़ता है, बट अगर आप ये चीज़ें अगर उसके अलावा जैसे आपने टॉयलेट अगर आपके घर का चेंज करवा दीजिए, आपका जो फूड हैबिट्स है अगर आप वो कुर्सी पे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए, अगर ये फूड हैबिट्स और बहुत सारी चीज़ें अगर आप रोज़मर्रा के लाइफ में अगर चेंज करते हैं तो घुटना खराब ही नहीं होगा। आपके डाइट में अगर आप कुछ चेंजेस लाते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, डाइटरी इंटेक लेते हैं,
अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा हो गया, जिम हो गया, या नॉर्मल साइकिलिंग एक्सरसाइज भी होते हैं, तो आपका घुटना खराब होने से बच जाएगा। मेरे ख्याल से मेरा बिल्कुल, मैं मेरे ख्याल से सारे सवालों का जवाब हमारे व्यूअर्स को मिल चुका होगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारा वक्त है हमारे पास नहीं है, बस थोड़ा सा जो समय है हमारा उसका सदुपयोग किया। लेकिन साजिद जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने हमारे व्यूअर्स को आज दी है, तो मैं हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि हम भी हमारे घर पर जो टिप्स दी है उसको फॉलो करेंगे। और व्यूअर्स, आपके जो भी अगर और भी क्वेश्चंस है आपके मन में, कुछ डर है, तो आप हमें व्हाट्सअप ईमेल के ज़रिए आप हमें पूछ सकते हो, दे सकते हो, ताकि हम हमारे शो में आपके क्वेश्चन का हल निकाल सकें। आप अपने मेल और सवाल जरूर भेजते रहिए हमारे मेल आईडी पे thehelptalk@gmail.com पर, और अपने व्हाट्सअप के ज़रिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जिसका नंबर है 9225545355। हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सोहेल खान जी का नंबर है 7798793456। व्यूअर्स, हम आज के शो में यहीं तक रखते हैं, और हमारा हेल्थ टॉक विथ डॉक्टर सोहेल खान के साथ हमारा जो आज का शो है, आशा रखते हैं कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी डॉक्टर सोहेल खान जी, थैंक यू सो मच, और मेरे साथी साजिद जी का भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और साथ में दोस्तों, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट निराली अलविदा ले रही हूँ। मिलते रहेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, आपके सवालों के हल के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।